गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, एसएसटी रिवीजन वर्क में चैप्टर वन में आज हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज़ ए ग्लोब, हाउ इट इज़ यूजफुल टू अस, ग्लोब क्या है और ये हमारे लिए यूजफुल कैसे होगा। आंसर है इसका, ए ग्लोब इज़ ए सिंपल एंड एक्यूरेट मॉडल ऑफ द प्लैनेट अर्थ। ग्लोब जो है एक सिंपल और एक्यूरेट मॉडल है हमारे प्लैनेट अर्थ का, पृथ्वी का जैसा सेप है उसी हिसाब से ग्लोब को बनाया गया है। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या यूजेज इसका। इट इज़ यूजफुल टू अस, कैसे देखते हैं। ग्लोब सो एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाटर ऑन द स्लोप ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है हम लोग को बताता है कि कहाँ पे ज़मीन है, लैंड है, कहाँ वाटर है हमारे अर्थ की सरफेस पे, ये सब कहाँ कहाँ है। और दूसरा देखते हैं, वी कैन सी द करेक्ट शेप साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशंस। और ये ग्लोब में हम लोग ये भी देख पाते हैं कि किसी भी कॉन्टिनेंट का या किसी भी ओशन का करेक्ट शेप और साइज कैसा है, कौन कितना बड़ा है और कौन छोटा। ग्लोब ऑल्सो शो अस द लोकेशन ऑफ डिस्टेंस प्लेसेस। ग्लोब हम लोग को अलग अलग जगह के बारे में भी लोकेशन उसमें बताता है, दिखाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू है, डिस्क्राइब द इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियंस। इक्वेटर क्या है, मेरिडियन क्या है, इसको हम लोग को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है। इक्वेटर, द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाय ड्राइंग एन इमेजनरी लाइन मिडवे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अर्थ में एक इमेजनरी लाइन बनाया गया है, अर्थ उनका जैसे ये ग्लोब है इसके बीचे बीच एक इमेजनरी लाइन बनाया गया है, इसी को इक्वेटर कहा जाता है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीचों बीच रहता है। प्राइम मेरिडियंस, द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच वाज मार्क 0 degree एंड नेम प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन भी एक इमेजनरी लाइन है जो कि ग्रीनविच से जब गुजरता है तो उसका 0 degree मान दिया जाता है, उसी को प्राइम मेरिडियन कहा जाता है।